आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। कब दिया है? 8 सितंबर 2023। सर अब क्या झटका दे दिया हाई कोर्ट ने, और कौन सा हाई कोर्ट ने दे दिया? भाई अब की बार जो तुम्हें झटका दिया है वो दिया है पटना हाई कोर्ट ने। पटना हाई कोर्ट के पास, ठीक है ना, एक रिट फाइल हुई। बहुत सारे लोगों ने रिट फाइल करी, उन्होंने कहा चलो सुन लेते हैं भाई ये रिट क्या है। तो जो रिट फाइल हुई उसमें सेक्शन 16(4) का मुद्दा था। सेक्शन 16(4) को बोला गया कि नहीं भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ठीक है ना, ये जो है वोलेशन कर रहा है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 300A का जो हमारे संविधान का है। और पटना हाईकोर्ट से कहा गया कि भाई साहब आप हमारे को, ठीक है ना, सेक्शन 16(4) से राहत दिलवाओ, अगर हमने रिटर्न लेट फाइल कर दी है तो भी हमें ITC दिलवाओ। ठीक है, केस क्या है, ITC कितना इन्वॉल्व है, तो जरा इस बात को समझ लो। केस यहाँ पर क्या था, 1,34,00,000 रुपए का डिमांड ऑर्डर है, ठीक है ना। तो 1,34,00,000 रुपए का डिमांड ऑर्डर है, व्यक्ति ने क्या करा, फरवरी और मार्च दो महीने की रिटर्न्स, फरवरी और मार्च दो महीने की रिटर्न्स को लेट फाइल करा। कब? अक्टूबर में और नवंबर में। अक्टूबर की अगर रिटर्न देखोगे तो ज़्यादा दिन लेट नहीं करी है, 1-2-4 दिन लेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने रिटर्न लेट फाइल करी तो उन्होंने कहा भाई साहब सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट निकल गई है, हम आपको ITC नहीं देंगे। अब SSC ने क्या करा, SSC ने सोचा कि केस को फाइट करते हैं, क्या पता हाई कोर्ट हमें राहत दे दे। लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, इन्होंने कहा सेक्शन 16(4) कोई वोलेशन नहीं कर रहा, सेक्शन 16(4) कोई वोलेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि तुम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है ना, और फिर बाद में कह दो कि भाई 16(4) वोलेशन कर रहा है। उन्होंने कहा हम ये वाली बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम इसे शेयर कर देंगे। और क्या कहा हाई कोर्ट ने, इन्होंने लिखा कि 16(4) की जो लैंग्वेज है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। SSC कह रहा है कि भाई साहब 16(4) की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कह रहे नहीं भाई साहब हमने पढ़ लिया। पटना हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि हमने पढ़ लिया, ये कह रहा है कि भाई इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बहुत ही क्लियर है कि ITC तुम्हें तभी मिलेगा, ठीक है ना, जब आप सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे। अब यहाँ पर जो SSC कह रहा है कि भाई ITC लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरा वेस्टेड राइट है, ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिल रहा है तो संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बात सुनो, ये कोई वेस्टेड राइट नहीं है, ये कोई आपका वेस्टेड राइट नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक कंसेशन है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे। अगर ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार होता, अगर ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार होता और गवर्नमेंट तुम्हें नहीं दे रही होती तो हम मानते कि तुम्हारा संविधान का उल्लंघन हुआ है। पहली बात, ITC तुम्हारा कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, तो जब जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हारा है ही नहीं तो भाई कंडीशंस पूरी करो और ITC को ले लो, और बार बार हमें ये मत कहो कि आर्टिकल 19(1)(g) का वोलेशन हुआ है, आर्टिकल 13 का वोलेशन हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई भी वोलेशन नहीं हुआ है। तो ये जो रिट थी ये इन्होंने रिजेक्ट कर दी, इन्होंने क्या करा, रिट को रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने जो यहाँ पर इस केस के अंदर जो यहाँ पर इन्होंने एक जजमेंट को कोट करा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ALD ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जो कि VAT के टाइम पर आई थी, उस VAT के टाइम की जजमेंट को इन्होंने यहाँ पर कोट करा कि भाई VAT के अंदर भी ऐसा होता था कि अगर तुम्हारे को ITC क्लेम करना है तो एक समय सीमा तक करना है, ठीक है ना, आपका कोई वेस्टेड राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यहाँ पर कोट किया गया और कहा गया ये सब फालतू बातें, ठीक है, कि 16(4) वोलेट कर रहा है संविधान को, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ठीक है ना, तुम्हारी रिट डिसमिस की जाती है। तो 16(4) के जिन लोगों के केस पेंडिंग है तो उन्हें एक झटका और लगा है। लेकिन ट्रिब्यूनल आई है तो एक बार ट्रिब्यूनल में जाके देखो तुम, ठीक है, जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया तो ट्रिब्यूनल में जाके क्या करोगे, ठीक है ना। लेकिन लोग बाग क्या है, अपने केस को डिले करने के लिए ट्रिब्यूनल में तो जाएंगे, ठीक है, फिर हाईकोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अभी तक 16(4) का जो टाइगर है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।
अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हर हाई कोर्ट आकर उसमें एक तीर मार देता है कि मरता क्यों नहीं भाई, तू मरता क्यों नहीं। अभी पीछे भी एक हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी कि 16/4 भाई टाइम लिमिट बाढ़ हो गई, ITC नहीं मिलेगा। अब पटना हाई कोर्ट ने एक आखिरी तीर डाल दिया है, ठीक है। अब किसके तीर का इंतजार हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के तीर का, कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक बार 16/4 में आखिरी तीर मार दे तो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केस पेंडिंग है, आप अपना व्यू बताना कि क्या है आपका व्यू। और हाँ, सैटरडे संडे को फर्स्ट क्लास कोर्स चल रहा है, पूरा कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप डाउनलोड करके फटाफट से उस कोर्स को परचेज करा लो। सर, आपकी GSTR 99C की बुक खरीदी थी, अभी तक डिलीवरी नहीं आई, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जैसे ही कॉपी प्रिंट होकर आ जाती है आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक GSTR 99C का सेकेंड एडिशन बुक नहीं कराया है, फटाफट से बुक करा लो, ठीक है ना, जिससे कि आपको डिलीवरी टाइम पर मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।